So the topic which we need to do today is recursion. What is it called? Recursion. Have you seen this Farhan Akhtar ka movie? Have you seen this? Have you heard of this movie? हाँ सर. देखा ये? मैंने मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी थी देखने की इसको, पर जो उसका क्लाइमैक्स इतना फालतू क्लाइमैक्स है कि वो पूरा पिक्चर फालतू कर दिया उसने. क्या रहता मालूम, उसको खुद की ही आवाज के कॉल आते. कोई बंदा उसको कॉल करता जिसका नाम कार्तिक रहता और उसी की आवाज में बात करता उससे. तो क्या और क्या, तो मूवी का नाम क्या है? एंड में इतना फालतू है उसका क्लाइमैक्स. आई विल नॉट रिलीज, नॉट डिस्क्लोज इट टू यू ऑल. यू ऑल कैन वॉच इट फॉर योरसेल्फ. तो क्या होता है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ? व्हाट इज रिकर्शन? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ. तो कार्तिक कॉल मतलब भी तो यही होता है, रिपीटेड, एक खुद को रिपीट कर लेता है. हाँ बस वही 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 खुद को वही वही हाँ वही ना, खुद को ही कॉल करना. तो फंक्शन इट्स कॉल्ड रिकर्शन. जैसे देखो सिंपल विद, तो वो फंक्शन कॉल करता अपने आपको विद अनदर वैल्यू. विद क्या? अनदर वैल्यू. सेम वैल्यू से कॉल नहीं करता, अनदर वैल्यू से कॉल करता. जैसे कि एक फंक्शन का नाम है एबीसी. क्या नाम, फंक्शन का नाम क्या है? एबीसी. अब ये abc फंक्शन एक इंटीजर आर्गुमेंट ले रहा है. क्या, किस टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है? इंटीजर. ठीक है, अब मैं इधर ओके, abc फंक्शन कॉल कर रहा है एक्स वाई जेड को. तो ये क्या हो गया, वन फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन. क्या हो गया? वन फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन, है ना. तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, हु इज द कॉलर? abc फंक्शन. और कॉल किसको हुआ है? तो इट इज लाइक कार्तिक कॉलिंग आकाश. कार्तिक कॉलिंग आकाश. ये समझ में आ गया ना अपने को, एक बंदा दूसरे बंदे को फोन कर रहा है. बट अभी अपने को ये समझना है, अब अपने को ये समझना है कि ये कैसे होता है. दूसरा पार्ट इसका वो क्या रहेगा, क्या होगा अभी, टेल मी. एक्स वाई जेड कॉलिंग एबीसी. नहीं, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ. अच्छा, एबीसी कॉलिंग एबीसी. आया समझ में? हाँ. और चूंकि आर्गुमेंट लेना है इंटीजर टाइप का, है ना, तो सर ये वही सीन हो गया ना इसके, ग्लोबल फंक्शन टाइप वाला. नहीं 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 नहीं, देखो तो यहाँ पर जो है ना, हमने समझो एबीसी को यहाँ पर आर्गुमेंट क्या दिया, एन. तो और ये एबीसी किसे कॉल कर रहा, देखो अगर एन में टेन है, एन में क्या है, तो एन माइनस वन में क्या, तो टेन का टाइप क्या है, इंटीजर ना. तो n माइनस वन क्या हुआ सर, आपका आवाज लैग हो रहा है. n माइनस वन कितना होगा, n माइनस वन. हेलो हेलो, आ रही आवाज? तो अगर n में टेन है, टेन किस टाइप का है, तो n माइनस वन क्या हुआ, n माइनस वन. तो वो भी नाइन भी किस टाइप का है, इंटीजर है ना. तो एन, इफ द वैल्यू ऑफ एन इज टेन, देन टेन कम्स इन द वेरिएबल एन. सो आई विल कॉल द सेम फंक्शन विद अ डिफरेंट वैल्यू. आई विल कॉल द सेम फंक्शन. तो फर्स्ट एबीसी वॉज कॉल्ड विद विच वैल्यू,
ABC was called with which value? Integer and 10. Huh? 10. And now I am calling ABC with which value? 10 minus 1. किससे? 9 से, है ना? तो वही फंक्शन कॉल होता विद अ डिफरेंट वैल्यू. अब ये कैसा होता है रिकर्शन? ये एक स्टैक बनते रहता. क्या बनते रहता है? स्टैक, एक स्टैक की तरह. तो पहले जो फंक्शन कॉल हुआ, तो पहले किससे, कौन से आर्गुमेंट से फंक्शन कॉल हुआ? 10 से. किससे? 10 से. 10 से. तो पहले स्टैक के अंदर पुश होगा एबीसी फंक्शन विद आर्गुमेंट 10. फिर 10 किसको कॉल कर रहा है? 10 जस्ट 10 से जब कॉल हुआ तो फिर किससे कॉल होगा वापस? n माइनस 1 से. तो क्या होगा? एबीसी से कॉल होगा किससे? 9 से. फिर वापस किससे कॉल होगा? एबीसी से होगा. तो कौन से वैल्यू से? 8. यस. ठीक है. ऐसे करते करते हम लोग कॉल करेंगे, तो हम लोग है ना, ऐसे करते करते कॉल करेंगे उसको 1 तक. तो लेट्स, आई विल शो इट टू यू. तो जब अगर n का वैल्यू 1 है, क्या है? इज इक्वल्स टू 1, देन यू विल से रिटर्न 1. रिटर्न व्हाट? रिटर्न 1. और अगर 1 नहीं है जब तक क्या करो? एबीसी माइनस इंटीजर माइनस 1. n माइनस 1 से कॉल करते रहो. समझ में आ रहा है? हाँ सर. सर एक बार फिर से बताओ ना. देखो ये फंक्शन है, दूसरी बार चार्जिंग का बटन कॉल कर रहे हैं. ये फंक्शन है फैक्टोरियल कॉल करने का. ये फंक्शन है फैक्टोरियल कॉल का. क्या फंक्शन है ये? फैक्टोरियल का फंक्शन है ये. किसका फंक्शन है ये? फैक्टोरियल. ओके, व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? टेल मी. 4 फैक्टोरियल इज 4 से लेके 4 से लेके 1 तक जाने का. 4 से लेके 1 तक लेके जाना और मल्टीप्लाई करते आने का. 24. तो कितना हो गया? तो 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इज 12. 24 कितना है? 24. देन व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? नाउ टेल मी. 6. कितना है? 6 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 व्हिच इज 6, राइट? देन व्हाट इज 2 फैक्टोरियल? 4 2 2. अरे हां, व्हिच इज 2. देन व्हाट इज 1 फैक्टोरियल? तो इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना, क्या है फिर? 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या है? 3 फैक्टोरियल ना है, क्या नहीं? तो आई कैन राइट 4 फैक्टोरियल एज 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल. यस और नो? यस सर. तो देन हाउ विल आई राइट n फैक्टोरियल? देन n फैक्टोरियल विल बी n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल. n माइनस 1 फैक्टोरियल है क्या नहीं? अगर 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल है तो 4 को डाल दो n की जगह पे. तो जहां जहां 4 है वहां n लिख दो. तो जहां 4 है वहां n आ गया, जहां 4 है वहां n आ गया. तो ये 3 क्या होगा फिर? n माइनस 1 है ना.
तो ऐसे ही अगर हमने ये फंक्शन ए बी सी है ना, इसकी जगह पे लिख दे रहा फैक्ट, क्या लिख दे रहा इसकी जगह पे? तो नाम क्या है फंक्शन का? फैक्ट। यहां पर भी क्या है? अब अगर उसने नंबर पास किया है 5, क्या नंबर पास किया है यूजर ने? 5। तो 5 के लिए मुझे क्या लगने वाला है? 4 फैक्टोरियल, क्या लगने वाला है? 4 फैक्टोरियल। और 4 के लिए क्या लगने वाला है? 3 फैक्टोरियल। और 3 के लिए, 3 के लिए क्या लगने वाला है? 2। 3 के लिए, 3 के लिए मुझे क्या लगने वाला है? 2 फैक्टोरियल है ना। और 2 के लिए क्या लगने वाला है मुझे? 1 फैक्टोरियल है ना। और 1 फैक्टोरियल का आंसर क्या है? 1। तो वही किया है। तो अगर जो नंबर पास किया है 5, जो नंबर उसने क्या पास किया है? 5। समझो उसने नंबर पास किया 1, क्या नंबर पास किया यूजर ने? 1। तो n में क्या आ गया? 1 आ गया। इज n इक्वल इक्वल टू 1? यस। जस्ट रिटर्न 1, जस्ट रिटर्न व्हाट? रिटर्न 1। तो आपका प्रोग्राम का आउटपुट 1 आ गया। ठीक है, तो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर। फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? एक इंटीजर। तो इसके आगे कीवर्ड आएगा इंटीजर। फंक्शन के आगे कौन सा रहता है? उस टाइप का वैल्यू जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ओके, अगर उसने पास कर दिया 2, क्या पास कर दिया उसने यूजर ने? क्या आई वॉन्ट टू फाइंड 2 फैक्टोरियल, आई वॉन्ट टू फाइंड। तो n में क्या आ गया अभी? 1 आ जाएगा सर। n में 2 फैक्टोरियल निकालना है ना उसको। n में 2 आएगा। 2 आ गया। इज n इक्वल इक्वल टू 1? नो सर, इसमें जाएगा वो। तो वापस क्या कॉल होगा? तो यहां पर सबसे शुरू में क्या क्या कॉल हुआ? फैक्टोरियल कॉल हुआ कौन से वैल्यू से? n की वैल्यू से सर। n की वैल्यू क्या थी शुरू में? 2 थी। तो पहला देखो, पहले फंक्शन लोड हुआ मेन, पहले कौन सा फंक्शन लोड हुआ स्टैक में? देखो आपको मैं दिखाता हूं कि क्या चल रहा है। सिंपल सा ये एक प्रोग्राम ऐसा रहेगा, ये एक फंक्शन है अपना। इस फंक्शन के ऊपर अपना जो सी प्रोग्राम कंप्यूट होगा वो कैसे कंप्यूट होगा? ठीक है, ये हो गया। नीचे क्या आ गया? void main। void main ने क्या किया? fact function कॉल किया, जो भी नंबर से कॉल करना है आपको। देखो ये ऐसा प्रोग्राम है, देखो ये प्रोग्राम समझ में आ रहा तुम लोगों को? ये प्रोग्राम है अपना पूरा, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है। अब देखो सबसे पहले कौन सा फंक्शन लोड हुआ मेमोरी में? इसको बोलेंगे मेमोरी, इसको बोलेंगे मेमोरी स्टैक। क्या बोलेंगे इसको? मेमोरी। तो पहले लोड हुआ मेन, तो मेन से क्या कॉल हुआ? कौन से वैल्यू से? n की। तो n की वैल्यू क्या थी? 2 ना। तो अभी अभी n में क्या आ गया? सर आवाज ब्रेक हो रहा है। अभी n में क्या आ गया? 2 आ गया सर। 2 आ गया। ठीक है, इज n इक्वल इक्वल टू 1? नो। तो एल्स में जाएगा और क्या कॉल होगा वापस? फैक्ट विद n माइनस 1। तो व्हाट इज फैक्ट विद n माइनस 1 का क्या वैल्यू है? 2-1, which is what? Plus 1. So we'll call one. Fact of 1 है ना?
ओके वापस फैक्ट ऑफ वन, अभी 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 एन का वैल्यू क्या बन जाएगा? वन वन इज एन इक्वल इक्वल टू वन? यस। ओके तो इसका आंसर क्या गॉल होगा? व्हाट इज एन फैक्टोरियल? एन इनटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, राइट? तो ये ऐसा होगा, देखो तो ये रिटर्न क्या होगा, एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसा होगा। सर इंटीजर आंसर क्या है सर? हाँ इंटीजर आंसर, वो जो स्टोर रिटर्न करेगा ना, वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, वो जो रिटर्न करेगा उसको, वहां से जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो आंसर में जाएगा। देखो तो मैं बताता हूँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पर रिटर्न वन हो रहा है और यहाँ पर रिटर्न होगा, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फैक्टोरियल? एन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, राइट? तो ये ऐसा हो रहा है। देखो अभी इसको अभी ऐसा समझो, सबसे पहले कौन सा फंक्शन लोड हुआ मेमोरी में? मेन। मेन का फिर मेन ने किसको क्या पास किया था? फैक्टोरियल टू कॉल किया, ठीक है। फैक्टोरियल टू ने क्या जब इधर गए, इज एन इक्वल इक्वल टू वन? नो। तो एल्स में जाएगा और क्या रिटर्न, व्हाट विल इट रिटर्न? नंबर एन माइनस वन करके, तो एन इनटू एन इनटू क्या एन इनटू, तो एन का वैल्यू क्या था? टू, राइट? तो क्या करेगा वो, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या कॉल हो रहा है? फैक्टोरियल फैक्ट ऑफ 1, राइट? देखो सबसे पहले कौन लोड हुआ मेमोरी में? मेन। मेन मेन ने किसको कॉल किया? 2 को, फैक्टोरियल 2 को। ओके फैक्टोरियल 2 को, ठीक है। तो फैक्टोरियल 2 कॉल हुआ, ठीक है। तो ये पहले पुश हो गया, क्या अभी क्या चल रहा है, पुशिंग चल रहा है। तो पहले मेन पुश हुआ, फिर मेन ने किसको पुश किया? फैक्टोरियल 2 को। ओके फैक्टोरियल 2 में गए, तो इज 2 इक्वल इक्वल टू 1? नो। तो वो किसको क्या करेगा, n का वैल्यू क्या है अभी, 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय कौन कॉल हुआ? फैक्टोरियल 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय कौन, फैक्ट ऑफ 1 है ना। तो अभी पहले n का वैल्यू 2 था, अब 2 नहीं रहा, अभी अभी n का वैल्यू क्या है? 1 है, राइट? यस। ओके इज n इक्वल इक्वल टू 1? यस। तो क्या होगा, रिटर्न होगा। तो देखो तो इसने कॉल किया फैक्ट ऑफ 1 को, ठीक है। तो फैक्ट ऑफ 1 क्या रिटर्न कर रहा है? फैक्ट ऑफ, जब फैक्ट ऑफ 1 से हमने कॉल किया तो उसने क्या रिटर्न किया, उसने 1। तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है क्या रिटर्न कर रहा है, इतना वाला पार्ट 1। दिस इज रिटर्निंग व्हाट, 1 राइट? तो दिस हैज रिटर्न 1। तो व्हाट इज 2 इनटू 1? 1 2 इनटू 1 इज 1, 2 2 2 2 सर 2। तो वो रिटर्न करेगा इसको 2 और वो रिटर्न करेगा इसको 2। तो ऐसे आंसर में जाएगा 2 और 2 डिस्प्ले होगा, तो 2 फैक्टोरियल इज 2। ओके इफ वी हैड पास्ड लेट्स से 4, इफ वी हैड पास्ड नंबर 4, नाउ टेल मी क्या क्या होगा अंदर। तो पहले अब उन्होंने पास किया 4, तो 4 में गए, तो सबसे पहले n में क्या वैल्यू आया, n में वैल्यू आया 4। इज 4 इक्वल इक्वल टू 1? नो सर। तो पहले मेन ने किसको किसको कॉल किया था,
फैक्ट ऑफ फोर को। तो मेन ने कॉल किया फैक्ट ऑफ फोर को, तो उसने उसको पुश कर दिया। फैक्ट ऑफ फोर, तो इज फोर इक्वल इक्वल टू वन? तो फोर ने किसको कॉल करा? फोर मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ, फैक्ट ऑफ थ्री, फैक्ट ऑफ वन, वन काई को। अच्छा, अरे हाँ, ठीक है, थ्री। तो okay, अब थ्री गया, तो अभी फोर, अभी जब वापस जब फैक्ट कॉल हुआ, अभी अभी एन में क्या आया? तो ये फोर कट गया, अभी एन में क्या आ गया? थ्री। थ्री इज थ्री इक्वल इक्वल टू वन? नो। तो क्या कॉल हो रहा है अभी? एन मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ थ्री। तो क्या आएगा? तो एन का, एन का वैल्यू क्या है अभी? थ्री। एन का वैल्यू थ्री है, तो क्या क्या कॉल होगा? टेल मी। थ्री मल्टीप्लाई बाय टू कॉल होगा फैक्ट ऑफ, है ना, फैक्ट ऑफ टू। तो अभी 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 एन का वैल्यू क्या बन गया? टू हो गया। इज टू इक्वल इक्वल टू वन? इज टू इक्वल इक्वल टू वन? Is two equal equal to one? No, no sir. तो क्या कॉल होगा? Two into two into one कॉल होगा one. Fact of one. One है ना? तो अभी कॉल हुआ fact of one. तो अभी अभी n का value क्या है? अभी n का value क्या है? एन का वैल्यू क्या है अभी? इज एन इक्वल इक्वल टू वन? यस। तो रिटर्न वन, रिटर्न व्हाट? तो ये अब तक अपन पुश करते जा रहे थे, अपन क्या करते जा रहे थे अपन, अब तक अपन स्टैक में पुश करते जा रहे थे, ठीक है, जैसे पुश हो गया था। अब देखो फैक्ट ऑफ वन क्या रिटर्न कर रहा है? वन, मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसका आउटपुट क्या है? वन। इसका आउटपुट वन है, क्या इसका आउटपुट वन है, तो इतने पोर्शन का आउटपुट वन है। तो टू इंटू वन इज व्हाट? टू। तो व्हाट विल, तो टू इंटू, इसका रिटर्न वन है ना, तो टू इंटू वन इज टू, तो वो जाएगा फैक्ट ऑफ टू को, किसको जाएगा? फैक्ट ऑफ टू। तो ऊपर का जो है ना वो फैक्ट ऑफ टू को जाएगा आउटपुट, तो इसका आउटपुट क्या जाएगा अभी? टू इंटू वन क्या है? टू, वो उसका जाएगा। अब थ्री इंटू टू क्या है? सिक्स। सिक्स इसको जाएगा आउटपुट, सिक्स आउटपुट किसको जाएगा? इधर फोर इंटू सिक्स इज 24। तो 24 किसको जाएगा आउटपुट? फैक्ट ऑफ फोर को। फैक्ट ऑफ फोर को, और वोट क्या करेगा? 24 किसको भेजेगा? मेन को। किसको भेज देगा वो? आंसर को सर, मेन को। तो जो मेन ने क्वेश्चन भेजा था ना, मेन में कि फोर का फैक्टोरियल क्या है, क्या था मेन ने क्या बोला? फैक्ट ऑफ फोर। तो जो आंसर में क्या आएगा उसको? 24। समझा? ये है रिकर्शन। तो ये ब्लैक पुश 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 हुआ और ये ग्रीन पॉप 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 हुआ, फिर अरे समझा गया नहीं? सर वॉइस गई आपकी, फिर से रिकर्शन समझ में क्या आएगा तुम लोग को? हाँ सर। सो जो हमने शुरू में फोर पास किया था, हमका आउटपुट क्या आया उसका?
जब फैक्टोरियल को 4 पास किया तो उसने रिटर्न क्या किया, पूरे पूरे फंक्शन ने कैलकुलेट करके हमको 24 रिटर्न किया। तो उसने वो ऐसा किया, तो फैक्ट 4 ने फैक्ट 3 को कॉल किया, फैक्ट 3 ने फैक्ट 2 को कॉल किया, फैक्ट 2 ने फैक्ट 1 को कॉल किया, 1 ने रिटर्न कर दिया 1, तो 2 into 1 फिर 3 into 2 ऐसा करते करते पूरा आंसर जाएगा। इसको बोलते हैं रिकर्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिकर्शन। तो अपने को ट्री ट्रैवर्सल ना, ट्री ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, याद है? हाँ सर। उसके लिए अपने को ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक्स में रिकर्शन लगने वाला है। क्या लगने वाला है? रिकर्शन टेक्निक। रिकर्शन लगने वाला है क्योंकि याद है, लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट से लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट से लेफ्ट में जाओ, कल जो कर रहे थे अपन। हाँ सर। तो वो रिकर्शन से बेस्ट होता है। वो क्या होता है रिकर्शन से? कल नहीं कर रहे थे अपन उसको? हाँ सर। कहाँ चला गया वो? सो यस्टरडे when we did in order, pre order, post order, याद है? हाँ सर। तो एक left है, फिर एक दूसरे, उसके left से उसके left में जाने का, उसके left से उसके left में जाने का, है ना ऐसा? हाँ सर। तो उसके लिए अपने को क्या लगेगा? pre order, post order, recursion लगेगा। क्या लगेगा? recursion लगेगा। तो ये अगर अपना ये 1000 है, क्या ये 1000, ये 2000 है और ये नोड 3000 है, तो अपने को फिर क्या करना पड़ेगा? 1000 के लेफ्ट में भेजो, फिर 2000 के लेफ्ट में भेजो, फिर 3000 के लेफ्ट में भेजो। ऐसे अपन लेफ्ट लेफ्ट जाते रहेंगे या राइट जाते रहेंगे, जो भी LDR, DLR, LRD। तो उसके लिए अपने को रिकर्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है सर, आपका आवाज कट हो गया सर।